और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बड़े बयान सामने आए हैं। कई सारे उन्होंने बयान दिए हैं। बघेल द्वारा महासमुंद में की गई विभिन्न घोषणाओं पर उन्होंने कहा है कि सीएम घोषणा वीर है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। रायपुर बीजेपी के 21 प्रत्याशियों के साथ बैठक पर भी अरुण साव ने बयान दिया है। चुनाव प्रचार अभियान को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर अरुण साव ने मीडिया से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। देखिए भूपेश बघेल जी, अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय केवल आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं। बस्तर के लोग, बस्तर का बुरा हाल कर दिया है उन्होंने। बस्तर के विकास ठप हो गए हैं, बस्तर के लोग परेशान हैं। उनकी चिंता भूपेश बघेल जी को नहीं है। आज जिस प्रकार से खुज्जी के माननीय विधायक के ऊपर हमला हुआ है, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। खुज्जी की विधायक माननीय श्रीमती छन्नी साहू जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये केवल उन पर हमला नहीं है, छत्तीसगढ़ की 125 करोड़ बहु बेटियों के ऊपर हमला है। जो सरकार अपनी पार्टी के विधायक को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो छत्तीसगढ़ के 125 करोड़ बहु बेटियों की सुरक्षा क्या कर पाएगी? ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से हम हमारे जो 21 घोषित प्रत्याशी हैं उनकी बैठक करने वाले हैं, उनके आगे के रणनीति और चुनाव प्रचार अभियान को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। अन्य राज्यों के विधायक एक सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में एक सप्ताह रहेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। उनके राज्यों में किस प्रकार से पार्टी का काम होता है, हमारे राज्य में हम लोग किस प्रकार से पार्टी का काम करते हैं, किस प्रकार से यहाँ की राजनीति होती है, उन सब चीजों को मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को भी लाभ होगा, उन कार्यकर्ताओं को भी, विधायकों को भी एक अनुभव मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में 75 सालों में कभी कोई काम नहीं किया है। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। याद करिए 2003 से पहले का समय, जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, किसानों के साथ कितना अत्याचार कांग्रेस की सरकार ने किया था, किस प्रकार से उनके धान को पानी में डालकर रिजेक्ट किया था, परखी मार मार कर देखा था, और किसान किस प्रकार से अपने राशि के लिए, पैसे के लिए दर दर की ठोकरे खाते थे। आज यदि किसानों के धानों की व्यवस्थित खरीदी हो रही है तो वो किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का मामला हो, फर्टिलाइजर में सब्सिडी देने का मामला हो, फसल बीमा का मामला हो, ये सारे जो मामले हैं ये किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से जो पहले 36 वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और अब चुनाव जब नजदीक है तो नए नए वादे लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मंत्री कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठे वादों पर फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस की सच्चाई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। निश्चित रूप से नवंबर में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़ेगा, तरक्की की ओर बढ़ेगा।